किसी भी प्रकार की दरिद्रता से, अभाव से, तंगी से आप जूझ रहे हैं तो लक्ष्मी जी कृपा करेंगी, सब प्रकार का अभाव दूर होगा। तो शंकराचार्य भगवान ने इस स्तोत्र का गान किया है। ये दीपावली के माने मुख्य स्त्रोत यही है। अभी क्या है, त्योहार के नाम पे व्यक्ति का सारा समय केवल आडंबर में निकल जाता है। त्योहार पर जो करना है वही हम नहीं कर पाते, नाटक में सारा समय बीत जाता है। तो आप लोग पाठ नहीं भी कर पाएंगे तो उसको सुनेंगे भी तो सुनने से भी वही फल प्राप्त हो। करें आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा, एक एक श्लोक सबका अर्थ बोलते जा रहे हैं। प्रथम श्लोक का अर्थ, जैसे भ्रमरी अदखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ती रहती हैं, तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। ये प्रथम श्लोक का अर्थ है। अंगम हरे पुलक भूषणमा श्रयंती भृंगांगमेव मुकुला भरणम तमालम अंगीकृता अखिल विभूतिर पंग लीला मंगल दास्तुम मंगल देवताया। इसका ये अर्थ है। बोले जिनकी भगवान की जो रोमावली है उसमें जो रोमांच होता है और उस रोमांच पर जो स्वर्णिम आभा जिन लक्ष्मी जी से बनी रहती है, वह लक्ष्मी जी मुझ पर कृपा कटाक्ष करें। अब वैष्णव जन भावना करेंगे, वह किशोरी राधा जिनकी अंग की परछाई श्याम सुंदर के श्री अंग पर पड़ती है, तो काले श्याम सुंदर भी गौर वर्ण दिखाई देने लग जाते हैं, गौर हरि बन जाते हैं। ऐसी किशोरी जी मुझ पर अपनी कटाक्ष लीला करें, माने मुझ पर दृष्टिपात करके मेरा मंगल करें। पहले श्लोक का अर्थ। दूसरा श्लोक, मुग्धा मुहुर विदधती वदने मुरारे पेमत्र पाप्रणहितान गता गतानी माला द्रशुर मधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूर शत्रु श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुख दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। कैसी सुंदर शोभा है। अब वैष्णव जन इसमें युगल का भाव कर लेंगे। बोले नारायण का जो मुख कमल है, नारायण का जो श्रीअंग है वो कमल के समान है और श्री लक्ष्मी जी भ्रमरी के समान है। श्याम सुंदर कमल है, किशोरी जी भ्रमरी हो रही हैं। जैसे भ्रमरी बार बार कमल की गंध का पान करती है और जाती हैं और फिर मकरंद का पान करके लौटती हैं, ऐसे किशोरी जी, ऐसे श्री जी, अब लक्ष्मी जी का भाव रखिए, भले किशोरी जी का भाव रखिए, प्रेम उपासना में यही माने कि श्री जी माने साक्षात किशोरी राधा हैं, और अगर किसी अभाव से ग्रसित होकर पाठ कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी के स्वरूप को माने। पर लक्ष्मी जी की भी भावना वैष्णव लोग किशोरी जी की अंग कांति में करते हैं। तो जैसे भ्रमरी आती है जाती है, प्रभु के मुखारविंद को लक्ष्मी जी उस प्रकार देख रही हैं, लज्जा के कारण लौट रही हैं, तो उस समय वह अपने प्रियतम प्रभु के साथ आनंद लीला करते हुए बीच बीच पर मुझ में भी कृपा कटाक्ष करिए। माने आपकी दृष्टि से तो करुणा प्रेम अमृत झर रहा है, वह दृष्टि मुझ पर भी प्रदान करिए, मुझको भी कृतकृत करिए। कितने सुंदर भाव। तीसरा श्लोक,
विश्वाम रेंद्र पद विभ्रम दान दक्ष मानंद हेतु रधिकम मुर विद्विषोपी ईशन निषदतु मई क्षण मी क्षणार्ध मिंदी वरोदर सहोदर मिंदिराया। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं, तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अधकुले नैनों की दृष्टि क्षण भर के लिए भी मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। वे लक्ष्मी जी जो कि एक कृपा कटाक्ष से बड़े बड़े देवता जिनकी कृपा की चाहना करते हैं, इंद्र आदि देवता जिनका कटाक्ष चाहते हैं कि हम पर उनका कृपा कटाक्ष हो जाए, वे निरंतर निर्निमिष नेत्रों से अपने प्रभु श्याम सुंदर नारायण का दर्शन करती हैं, वे थोड़ी सी कृपा दृष्टि मुझ पर भी डाली जो मेरे जीवन के लौकिक अलौकिक सबरे अभाव दूर हो जाएं और मुझको उस दिव्य प्रेम धन की प्राप्ति हो। चौथा श्लोक, आभिलिता छम दिगम्य मुदा मुकुंदम आनंद कंद मनिमेश मनंग तंत्रम आकेकर स्थित कनिनिक पक्षम नेत्रम भुत्यै भवेन मम भुजंग शयांग नाया। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा भौं प्रेम वश हो अधकुले किंतु साथ ही निर्मिशेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं वह श्री जी? गोपिकाएं गोपी गीत में भी कहती हैं, शिरसि देहि न श्री कर ग्रहम। हे गोविंद, जिन हाथों से आपने लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण किया है, वह अपना हस्त कमल आप हमारे माथे पर रख दीजिए। तो वह जो नारायण की धर्म पत्नी है और निरंतर प्रभु का दर्शन करती रहती हैं, लेकिन जब प्रभु उनको देखते हैं तो उन लक्ष्मी जी की दृष्टि थोड़ी बांकी हो जाती है, तिरछी हो जाती है। माने कोई रसिक भाव करना चाहे तो पूरा युगल लीला के आस्वादन में वो डूब जाए। जिनकी दृष्टि थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तिरछी हो जाती है, प्रेममयी हो जाती है, ऐसी प्रेममयी दृष्टि से वे मुझको एक बार निहार लें, निहार लें। आगे पांचवा श्लोक, बाह्या अंतरे मधुजितः श्रित कौस्तुभे या हारावलीव हरि नील मई विभर्ति काम प्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण माव हतु में कमलाल यायः। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तु मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। आह, जो भगवान के वक्ष स्थल पर हीरे की माला के रूप में सुशोभित हैं, जो श्री नारायण के वामांग में वाम वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र रेखा के रूप में सुशोभित हैं, वह जगदम्बा भगवती लक्ष्मी मुझ पर कटाक्ष करके मेरा कल्याण करें। आगे छठे श्लोक में, कालाम बुदाली ललितोरसी कैट भारे धारा धरे स्फूर्तिया तदिंग नीव मातु समस्त जगताम महनीय मूर्तिर भद्राणि मे दिशतु भार्गव नंदनायः। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटब शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ माला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं,
जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। जिनके आविर्भाव से सब कोई आनंद हुआ है, कैसे समुद्र में जाकर के छिप गई और कैसे दीपावली के दिन समुद्र मंथन के समय संध्या समय, बोले दीपावली को संध्या समय लक्ष्मी जी का पूजन क्यों हो, क्योंकि संध्या समय ही वह समुद्र से प्रकट हुई हैं। तो जैसे समुद्र में लक्ष्मी खो गई थी, छिप गई थी, मंथन से प्रकट हुई दीपावली के संध्या समय, तो मैं भी दीपावली को संध्या समय पूजन करूं तो मेरे भी भाग्य में कहीं लक्ष्मी यदि छिप गई हैं तो वह पुनः प्रकट हो गई और मेरा भी कल्याण करें और सबका कल्याण करें। कितना सुंदर भाव। सातवें श्लोक में क्या कह रहे हैं? प्राप्तम पदम प्रथमतः किलयत प्रभावान मांगल्य भाजि मथु माथिनी मन मथेन मैया पत्ते तदीह मंथर मी क्षणार्ध मंदाल समच मकराल्य कन्यकाया। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। जैसे लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, सब देवता ललायित हो गए और हमको लक्ष्मी जी मिल जाए, हमको मिल जाए, पर लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में ही माला पहराई, नारायण पर ही दृष्टिपात किया। ऐसी वह लक्ष्मी जी नारायण पर दृष्टिपात करें, नारायण का वरण करें और फिर श्री नारायण के साथ वह मुझ पर दृष्टिपात करके मुझको भी कृतार्थ कर दें, मेरे जन्म जन्म के अभाव दूर कर दें। दद्याद दयानुपवनो द्रवणाम्बुधाराम अस्मिन किंचन विहंग शिशौ विष्णे दुष्कर्म घरम अपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नैनाम्बुवाह। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर घन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। आहा, मैं अपने ही दुष्कर्मों की अग्नि में जल रहा हूं, धूप में जल रहा हूं और हे लक्ष्मी जी, भगवान का जो अंग है वो काले बादल के जैसा है और आपकी जो दृष्टि है वो बिजली की जैसी है। जैसे जब बादल में बिजली चमकती है तो खूब जोर बादल की वर्षा होती है, तो मैं अपने पाप रूपी ताप में तापित हो रहा हूं, जल रहा हूं, आप अपनी करुणा का मेघ मुझको बरसा दीजिए और मेरे तीनों तापों को हरण कर लीजिए। आठवां श्लोक। इष्टा विशिष्ट मतयोपियया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्ट पदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहष्ट कमलोदर दीप्त रिष्टाम पुष्टिम कृशिष्ट मम पुष्कर विष्टरायः। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। आह, वह पद्मासन पर विराजमान लक्ष्मी जी कहां विराजती है? कमल पे, इसलिए कमल बहुत प्रिय। हम लोग भी पूजा में लक्ष्मी जी को कमल अर्पण किए, गणेश जी को कमल अर्पण किए। जो कमल पर विराजती हैं और जिनका एक नाम कमला है, कमल पर विराजती हैं, हाथ में कमल लिए रहती हैं, वे कमला कृपा करके मेरे मन को भी कमल के जैसा बना दें। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ में लिप्त नहीं होता, वह कमला मेरे मन को भी कमल जैसा बना दें और मेरे लिए जो आवश्यक है, मेरे लिए जो उपयोगी है, वह मनोवांछित पुष्टि मुझे प्रदान करें।
जो मेरे लिए अनावश्यक है, जो मेरे लिए अमंगलकारी है, वह मुझे प्रदान न करें। जो मेरे लिए मंगलकारी है, वही विधान जगदम्बा लक्ष्मी मेरे लिए करें। कितना सुंदर स्तोत्र। आगे दसवें श्लोक में, गिरदेव तेति गरुण गरुण ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ति भुवने गुरुस्तुरुण्यै। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं, तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन की एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी लक्ष्मी जी को नमस्कार है। जो तीनों लीलाओं में, सृजन लीला में, स्थिति संचालन की लीला में और प्रलय वाली लीला में, तीनों लीलाओं में तीनों देवी के रूप में, माने सरस्वती जी के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में, काली के रूप में, सृजन शक्ति के रूप में, संचालन स्थिति के रूप में और संहारिका शक्ति के रूप में विराजमान है, वे देवी मुझ पर कृपा करें, मेरा कल्याण करें। ग्यारहवां श्लोक, श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसुत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणानवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्टै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है, तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। तुष्टि आप प्रदान कर रही हैं, पुष्टि आप प्रदान कर रही हैं, क्षुधा निवृत्ति आप प्रदान कर रही हैं। इस सारे जगत को संतान मान के सब जीवों का पोषण आप ही कर रही हैं। तो पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, पर माता को कुमाता नहीं होना चाहिए। मैंने आपका अपराध किया, आपको भुलाया, पर आप कृपा करके मुझे पुष्टि प्रदान करिए, मुझे तुष्टि प्रदान करिए। बारहवां श्लोक, नमोस्तु नाली कनिभाननायै नमोस्तु दुग्धो दरि जन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै। कमल वदना कमला को नमस्कार है, क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है, चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है, भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। तेरहवां श्लोक, संपत कराणी सकलेन्द्रिय नंदनानी साम्राज्य दान विभवानी सरोरुहाक्षी तद्वंदनानी दुरिता हरणोद्यतानी मामेव मातर निशम कलयन्तु मान्यै। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीया माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ, सारे पापों को हर लेने वाली, हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है, मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। मैं प्रतिदिन आपकी वंदना करूं, मैं केवल किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, चूंकि आप कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ हो, तो जैसे दुनिया में बेटा प्रतिदिन माँ को प्रणाम करता, ऐसा थोड़ी होली दिवाली। अरे घर में माँ मौजूद है और बेटा पास में है, तो बेटा माँ के चरण नहीं छुएगा क्या? ऐसा नालायक बेटा तो धरती पे बोझ है, जो माँ के चरण न छुए रो। माँ निकट है, विराजमान है, और माँ के चरण न छुए बेटा, तो जैसे एक योग्य पुत्र प्रतिदिन माँ को प्रणाम करता है, उसके चरण को हाथ लगा के माथे से लगाता है, इसने मुझे शरीर दिया है, तो ऐसे ही मैं आपको माँ मान करके आपको प्रतिदिन प्रणाम करूं। ऐसा नहीं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए इसीलिए मैं आपकी वंदना करूं, मैं आपको माता मान करके प्रतिदिन प्रणाम करूं। आगे क्या कह रहे हैं, चौदहवां श्लोक, यत् कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांग मानसैः
त्वाम मुरारी हृदयेश्वरीम भजे, जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्ति का संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। जो मुरारी की हृदयेश्वरी हैं, मैं उनका भजन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। आगे 15वें श्लोक में कहते हैं, सरसिज निलये सरोज हस्ते धवल तमांशु गंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद महयम। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है, तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो, तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है, त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो जा। देवी के दिव्य रूप का स्मरण हो रहा है, जिनके हाथ में कमल है, जो कमल के आसन पर बैठी हैं, जिनके हस्त कमल से स्वर्ण की वर्षा हो रही है, ऐसी देवी मुझ पर प्रसन्न हो। 16वें श्लोक में कहते हैं, दिगग स्तिभि कनक कुंभ मुखाव सृष्ट स्वरवाहिनी विमल चार जलप लुतांगिम प्रातर नमाम जगताम जननी में शेष लोकाधिनाथ ग्रहणी ममृताब्दी पुत्रिम। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए हुए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की ग्रहणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। 17वें श्लोक में कहते हैं, कमले कमलाक्ष वल्लभे तुम करुणा पूर तरंगी तैर पांगई अवलोके माम किंचना नाम प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायः। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। 18वें श्लोक में इस्तुवन्तये इस्तुतीरि मुभिरन्वहम् त्रयमयीं त्रिभुवन मातरम रमाम गुणादिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयः। फलश्रुति बता रहे हैं, जो इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं, तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आखिर में पद्म प्रिय पद्मिनी पद्म हस्ते पद्मालये पद्म दलाय ताक्षी विश्व प्रिय विष्णु मनोनुकूले त्वत्पाद पद्म मयि सन्निधस्तव मनजावृती सहस्त्र भानु सुभगा शुद्धात्मनो ये जनास्तेषां माधव वल्लभा निज ग्रहे स्यात् सर्वदा निश्चला वृष्टिम हेम मयि प्रमोद जननी पाने वयम कुर्वतिम सद्विद्या वनिताम विलास कुशलाम पुत्रा युरा रोग्यदाम। इति श्री शंकराचार्य विरचित शंकराचार्य विरचित कनक धारा स्त्रोत संपूर्ण।